हम आ गए हैं, आपको दिखाते हैं एग्रीकल्चर फार्म एंड बारक नहीं है बंदराई बोलते हैं, ये लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री एंड KVK रियासी, रियासी में पड़ता है ये, लेकिन साइड जो विलेज है बारक का। चलो आओ देखते हैं। तो अभी हम आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या चाल अंकल जी। ये हमारे गुरु अंकल हैं, हम शॉर्ट में गुरु अंकल बोलते हैं इनको, गुरुदेव सिंह जी। ये आपको सब कुछ बता देंगे यहाँ पे, जितनी भी फार्मिंग करी हुई इन्होंने, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, और फ्रूट वगैरह जितना भी आता है, सब्जी वगैरह। कौन कौन सा फ्रूट लगे हैं इधर? मैंगो है, हर वैरायटी है, अमरपाली, दशहरी, तोता, जो भी है। चेरी भी लगाई है आपने? हाँ, स्ट्रॉबेरी लगाई है। स्ट्रॉबेरी भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। उसके बाद मैंने लीची का प्लांट लगाया है, नींबू का प्लांट है मेरे पास 100, उसके मेरे को मेडिसिनल प्लांट है हर्ड, इसको हर्ड बोल से पिछड़ा पड़ता है हर्ड, और उसके बाद मेरे पास शुगर कैन है, मेडिसिनल प्लांट है, और बहुत अच्छे मेडिसिन प्लांट, मेडिसिन प्लांट बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ। अश्वगंधा, स्टीविया है अंकल जी, थोड़ा सा कसी है तो दिखा दीजिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आपको स्ट्रॉबेरी दिखाते हैं फर्स्ट टाइम। आंवला, इसको अनोला बोलते हैं। अच्छा, ये वाला, ये अनोला आंवला बोलते हैं इसको, आंवला। हाँ, ये अभी ड्राई सीजन है तभी इसके पत्ते गिर गए हैं। अच्छा, इसके बाद अब ये इसको फ्रूटिंग आने वाली है, ये फुल फ्रूटिंग है। अच्छा, इस आंवले का एक तो हम जूस निकालते हैं, अचार भी डालते हैं, और उसका एक सबसे सुपर इसकी कैंडी बनती है। हाँ, कैंडी कैंडी खाई हुई कैंडी बनती है, जो मतलब खाने में बड़ी टेस्टी है। और इसको ये बस्ती में या हमारा माल मवेशी के लिए, चारे के लिए। अच्छा, चारे के लिए। ये एक स्पेशल नेपी ग्रास है, नेपी नेपी ग्रास। ये ग्रास है, ऐसा ग्रास है कि 700 रुपये के जी इसका सीड है। अच्छा, और ये खास करके दूध वाले जो मवेशी हैं उनके लिए बहुत ही बेटर है। इसकी 6 कटिंग साल में होती है। अच्छा, साल में 6 कटिंग होती है, आप इसकी 6 कटिंग करें, बाकी जैसे ये वो घास है उसका कटिंग कम 2 होंगी, वो वाले 6 कटिंग। और ये बिल्कुल इसको देसी भाषा में मक्खन मलाई बोलते हैं, और नेपियर ग्रास है सबसे टॉप ग्रास। ये क्या लगा हुआ है? ये फूल गोभी। अच्छा, क्या बेस लाभ इसको बोलते हैं। अब इसका सीजन ऑफ हो गया, तो जो अच्छी अच्छी थी मैंने कर दी, ये बिका रहा है, ये माल मवेशी के लिए। इसका ये गार्लिक लहसुन है। अच्छा, गार्लिक। हाँ, ये लहसुन, ये गार्लिक है। ये एक देखो आप, मैंने बाग लगाया है तो उसके बीच में ये इंटरक्रॉपिंग है। अच्छा, इंटरक्रॉपिंग मतलब इंटरक्रॉपिंग ये है कि आप एक ही खेत से 2 फसलें या 3 फसलें निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे ये गार्लिक आ गया साथ में, हमारी इसमें क्या होगा कि इसमें 2 बेनिफिट होंगे। एक जो पानी हम इसको अभी सब्जी को देंगे, गार्लिक को देंगे, वो उसको भी लग जाएगा, प्लांट्स को भी लग जाएगा, दोनों। उसके बाद जो हम खाद देंगे वो इसको भी लगेगा और उसको भी लग जाएगा। सपोज हम यहाँ घास रखेंगे, वो घास इस जो दरख्त की सारी खुराक जो खींच लेगा, तो इसको मतलब बेनिफिट नहीं होने वाला है। हम ये दो डबल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग करने से हम इसका भी क्रॉप ले लेंगे और इसको बेनिफिट लेंगे। आप कहीं भी देखिए इंटर क्रॉपिंग का सिंगल क्रॉपिंग नहीं है। अगर हम बाग लगाएंगे, एक फार्मर अगर बाग लगाएगा तो बाग से उसको 10-12 साल से कुछ आने वाला नहीं है। अच्छा, अगर आप इसमें इंटरक्रॉपिंग जैसे सब्जी लगाते हैं, ये 3 महीने की क्रॉप है, समझ गए ना। फाइनेंशली हम इसका मतलब पूरा पूरा फायदा ले सकते हैं। और जो छोटे किसान हैं, मैं उनको एडवाइस करता हूँ इंटरक्रॉपिंग के बगैर अगर कोई बाग चलाना वो चलेगा भी नहीं, और फाइनेंशली भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर ये चलाओगे आप, इसको भी चलाओगे और इसको सर्वाइव कर लोगे फाइनेंशली, दोनों काम हो जाएंगे। ये मेरा अपना तजुर्बा है। अपना तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल अंकल जी, आप कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? ऐसे तो मैं बचपन से एक फार्मर हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे डिफेंस जॉब मिल गई थी। 35 साल में डिफेंस MES में अप्लाई था, और वो नौकरी करके 35 साल अभी पेंशन लेके, और ये 10 साल पहले ही मैंने एडवांसमेंट बना लिया था कि पेंशन तो मिलेगी, एक और पेंशन इसके साथ ऐड करेंगे, और वो एड्स आपके सामने है कि आपने इसको चूज किया। आपको फार्मिंग का शौक था, एक इंटरेस्ट था। मुझे एनवायरनमेंट से बहुत ही ज्यादा लगाव है। अच्छा, एक क्लाइमेट वातावरण आप देख सकते हैं यहाँ का वातावरण, और कहीं और एरिए का भी देख सकते हैं। और जब अगर मौसम बाहर आएगी तो आप यहाँ देखेंगे एकदम आबोहवा भी अच्छी होगी, तो नेशन के लिए इंटरनेशनल भी ये आबोहवा
सबके लिए मतलब ये फायदेमंद है। प्लांट नहीं होंगे तो उसके बगैर भी इंसान का बड़ा जीना मुश्किल है। उसके बाद मैंने कुछ मेडिसिन प्लांट किया, मैं आपको बताता हूँ मेडिसिन। हाँ ये ग्रीन टी है, ये हमारे घर पे भी लगी हुई है। नहीं ये अकड़ी होगी, मैं आपको कहूँगा लगी है। कहाँ? जम्मू में। अच्छा घर पे लगी? नहीं नहीं होगी। वो इसको लेमन टी भी बोलते हैं और ग्रीन टी बोलते हैं, उसको स्लिम टी कहते हैं। इसका आप सिर्फ ओनली फंक्शन है इसका चाय, चाय और दूसरा फंक्शन इसका कोई नहीं है। और ये दूसरी है ये बेटवियर, इसकी रूट्स का ऑयल निकलता है। अच्छा, इसकी रूट्स का, इस ग्रास का नहीं, रूट्स का। और जो फ्लेवर के काम आता है मतलब कॉस्मेटिक। अच्छा अच्छा। और उसके बाद ये लेमन ग्रास, ये जो आप कह रहे हैं ये आपका ये होगा? नहीं हमारा वो वाला। वो है कहाँ से मंगाया आप ये मुझे बताओ? वो पापा ने लाया था, पापा को दिया। हाँ मणिपुर से। मणिपुर से? हाँ बिल्कुल, मान लूँगा आप। मैं ये लेमन ग्रास है, इसका ऑयल निकलता है, ये परफ्यूम भी काम आता है। आप इसका लेमन टी भी पी सकते हैं। और इसका जो पत्ते है इसी का ऑयल निकलता है। अच्छा पत्तों से होता है? हाँ पत्तों से, इसका पत्तों से उसका चाय बनता है। और इसको भी देखो ये जो ऑडोमास है मछली। अच्छा ये मच्छर के लिए? हाँ इसको बोलते जावा ग्रास, जावा ग्रास। और ये भी परफ्यूम है, इसका भी ऑयल निकलता है। इसका फ्लेवर जो जैसे मच्छर का ऑडोमास हो सकते हैं मारते हैं, उसके बाद हम कहते हैं ये आपने क्या लगाया हुआ है? उत्साही स्ट्रॉबेरी। किसका ये? हाँ ये फॉरेस्ट हर्ब प्लांट है जिसका मतलब टेफला बनता है। अच्छा वो आपने वो क्या लगाया हुआ? आलू का आलू लगाया हुआ। ये नेचुरल प्लांट है, फॉरेस्ट का प्लांट है। और इसका ग्राफ्टेड प्लांट जो मतलब आजकल साइंस में तैयार किया वो ये है। अच्छा ये ग्राफ्टिंग? हाँ ये ग्राफ्टेड प्लांट है और ये 3 साल में फ्रूटिंग देगा। अच्छा 3 साल में? 3 साल मेडिसिन प्लांट है और इसका ग्राफ्ट किया गया ये। और ये मेरी जो पूरी लाइन देख रहे हैं आप 10 ये अलग हो रही है, इसका नाम है पी वन। वो जो 10 है 40, उसके बाद ऊपर वाले 10 है जो कलर 30 प्लांट जो हर्ट के है, ये मैसूर प्लांट है और ये अलग अलग वैरायटी है एकदम नई। और ये आप देखते हैं ये एक देव फ्रूट बोलते हैं, ये सामने हाँ ये देव फ्रूट बोलते हैं। इसका अचार बनता है और बड़ा अच्छा अचार होता है इसका। इसको वैसे देसी भाषा में ट्यों बोल रहे हो उसी सुने उन्होंने? हाँ इसे देव फ्रूट बोलते हैं। ट्यों का नाम सुना होगा? हाँ अशोकगंधा। ये अशोकगंधा है, अश्वगंधा। हाँ इसका फंक्शन ये है, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर है तकरीबन आप तो जानते ही होंगे। उसके बाद इसका पत्ता देसी भाषा में जैसे है कि इसको ऐसे गोल करके सुबह सुबह खाली पेट खा लोगे ना आपको एसिडिटी वगैरह कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है कोई किसी इन्फेक्शन ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन भाव होता है अश्वगंधा। उसके बाद मेरे पास सफेद मुसली भी है, मैं बताऊँगा आपको और भी कुछ होता है वो मेरे साइड पर है। तो उसके बाद मैंने लेमन ग्रास डाला है। ये लेमन ग्रास, ये मतलब पूरा ये लेमन ग्रास ठीक पूरा एरिया जितना आप देख सकते हैं इसमें इंटरक्रॉपिंग है। बीच में नींबू है और इसके यहाँ से और ये पूरा एरिया जितना है लेमन ग्रास, ये सारा वो दिखाओ लगी। तो इस गन्ने के बीच में लेमन ग्रास मैंने लगाया है। तो ये हमारा पूरा अपडेट है, उसका मैं बताऊँगा आपको। आपका पूरा बाग है जी। आप बात कर रहे थे फंडिंग की, देखो बात क्यों है, बात क्यों है कि फंडिंग का हिसाब का ये होता है। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी लड़का पहले डिग्री लेगा उसके बाद जॉब। हम अगर कहेंगे हमें गवर्नमेंट पहले जॉब दे और डिग्री हम बाद में ले, ये नहीं हो सकता। हमने ये काम पहले किया है, गवर्नमेंट ने इसको देखा है, डिपार्टमेंट ने देखा कि हाँ पे इसने काम किया,
फिर उन्होंने आके हमें कहा भाई हाँ ठीक है, हमारे लाइक किसी वजह से पैनिक की हो गई, किसी किस्म की हाईब्रिड का प्लांट हो गया, तो वो प्रोवाइड करते हैं। हाँ, प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, सब्सिडी होती है, क्यों भी उनको सब्सिडी के हिसाब से, जैसे मतलब जितना भी उनका दायरा होता है, 33% भी होता है, 50% भी होता है, इससे ऊपर नहीं जाते। 50% हमें तो जा 70% हमें तो लगाना ही लगाना है। उसके बाद उनका थोड़ा सा डायरेक्शन मिलती है हमें कि कैसे लगाओ, कैसे करो, साइंटिफिक गाइडेंस मिलती है, प्रॉपर गाइडेंस की हमें बहुत ज़रूरत है। फाइनेंशली इतना ज़्यादा वो मशीनरी सपोर्ट देते हैं आपको, उसका मशीनरी की सपोर्ट, थोड़ा पानी भी का उसमें भी वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो 33% पे ही ठहरती है या 50% पे ठहरती है, दो रेट्स होते हैं कि 33% गवर्नमेंट दे देगी 50, बाकी 70% आपको लगाना होगा। कहीं तो किसी जगह में 50% मतलब उनका 50% हमारा है, हम भी लगाएंगे तभी जाके वो काम करते, मतलब गवर्नमेंट का इस काम में बहुत ज़्यादा रोल है। रोल है गवर्नमेंट का भी है, लेकिन जो फार्मर काम कर उसके लिए है। ऐसे ही देखो कि गवर्नमेंट सर्वाइवल देखती है कि आपका काम आउटपुट क्या है, क्या निकली, जो लगाया अगर 100 प्लांट में लगाता हूँ उसकी सर्वाइवल हमें चाहिए, पहले साल 33%, दूसरे साल 50%, तीसरे साल 80%, अगर ये नहीं हो तो गवर्नमेंट नहीं देती, वो कहती है आपका सर्वाइवल जो ठीक नहीं आया और हम आपको कोई भी चीज़ इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करेंगे। फार्मर ये इंसेंटिव तभी लेगा जब काम करके दिखाएगा। नहीं, जो आपने मशीन लिया उसको, हाँ उसमें भी जैसे मैंने बोर किया, बोर का इन्होंने उनका फिक्स होता है इतने परसेंट, इतना मतलब लमसम होता है कि मतलब 80-90% होगा, हमारा 2 लगे 3 लगे 4 लगे वो हमारा। अच्छा, हाँ उनका फिक्स होता है 90 होगा, चाहे जितना भी होगा वो लगेगा। उसके बाद हमें सपोज जैसे ट्रैक्टर है छोटा, मिनी ट्रैक्टर है जिसको मतलब, हाँ टिलर भी बोलते हैं, उसमें भी उनका 50% होता है, 50% हम लगाएंगे और 50% गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। थैंक यू अंकल जी। चैनल का नाम बता दें अपने। वेरी मच जी, आपका धन्यवाद, आपने हमारा इंटरव्यू लिया। तो हमारे चैनल का नाम है क्रेजी जम्मू। अच्छा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। अभिनव और आपका मेरे इकट्ठा इकट्ठा था ना अभिनव जी? नहीं नहीं, यूट्यूब में अभिनव है। अच्छा, हमारा हम ब्लॉगिंग करते हैं। अच्छा, हमारे ऐसा कुछ हम ऐसे ही जा रहे थे भैया ने, हम जस्ट निकल रहे थे, बड़ा बड़ी अच्छी जगह देख। आपको यूट्यूब में कौन सा है? क्रेजी जम्मू भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ठीक है गाइस, पीस आउट, ऑफ कर दें इसका अलग, ये अलग भी कर चुका मेरा पार्ट। ये अंकल जी ने बी फार्मिंग की हुई है, आज तक तो मैंने दूर से ही डब्बे देखे होंगे, आज हम खोल के बताऊंगा आपको। अच्छा अंकल जी, अभी खोल के बताएंगे। डर सा लग रहा है मेरे को। नहीं, आप चिंता मत करिए। हमें तो नहीं काटेंगे। आप किस तरफ आ जाइए। हम इस तरफ आ जाएंगे। आ जाओ यार, खाएंगे। देखो, बी फार्मिंग, बी कीपिंग। हाँ, अच्छा, ये कितने दिन के बाद अंकल जी डब्बा तैयार हो जाता है? मतलब इसका होता है कि थोड़ा बहुत बड़ी काम होता है इसका। अच्छा, टाइम लगता है इसकी, हर चीज मेंटेन रखनी पड़ती है, क्वीन होती है। अच्छा, इसके वर्कर्स का कैसे चलता है क्वीन का? हाँ देखो, तो इसका बड़े हिसाब से इसको मेंटेन ठीक रखो तो जल्दी हो जाता है। साल में 2 कटिंग हो जाती है इसकी। अच्छा, साल में 2। सेल करने का क्या होता है? खुद ही सेल, मेरा लक्ष्य मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी में जाते हैं। अच्छा अच्छा, स्क्वाश यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और मैं उनको हाई अच्छे रेट पे जाता है, और बाकी अपने मार्केट जहाँ भी मिल जाती है और जहाँ पे भी अपने पके बनाए के शहद की हर जगह डिमांड है, बहुत डिमांड है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। ऐसे शहद बहुत मतलब ऑर्गेनिक है, ये बिल्कुल एकदम प्योर है, इसमें किसी किस्म की वो मिलावट नहीं है। ये नेचुरल मेरा एक गार्डन है, उसी गार्डन के बीच में मैंने ये इसको इस्टेब्लिश किया।
दोनों काम मेरे फंक्शन, आप देख रहे हैं मेरे हर फंक्शन देखो बिल्कुल इन टच है, और उसका हर का बिल्कुल साथ साथ जुड़ा हुआ, और हर का फंक्शन बराबरी है, और उसे हर काम बढ़िया चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आज हम आए अंकल जी के पास, अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे ही मिल गए बाहर में। सर की जो अचीवमेंट है वो थोड़ा जूम करके दिखाओ, सर ने कितने प्राइजेस लिए हैं। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, इवन एग्रीकल्चर में भी इन्होंने अपना मतलब बेस्ट दिया हुआ है। नहीं अंकल आंटी जी, बस अच्छा, ये आपकी बुक पब्लिश हुई है? अच्छा, ये मेरा ये एलजी साहब के काउंटर पे ये मेरा स्पीच था, तो वहाँ पे फिल्म भी चल रही थी और मेरी इसकी। अच्छा, ये आपकी सारी अच्छा, ये अंकल की बुक है, अंकल की बुक ऑल इंडिया वाली। अंकल जी, इस बुक से मतलब कोई भी बंदा नॉलेज लेना चाहता है कर सकते हैं, मतलब नॉलेज ले सकता है ऐसे कैसे, हमें कोई भी काम करना चाहोगे अच्छा, तो हम इस बुक से उसका फोन नंबर, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, उसका फंक्शन, उसका जो भी वो कल्टीवेशन करता है, जो काम करता है, हम इसको अचीव करते हैं। ठीक है, एक लेडी है कृष्णा यादव यूपी के हैं, उसने एपिकल्चर से काम शुरू किया था जी, आज वो 10 करोड़ रुपया साल का उसका इनकम है। 10 करोड़ नाम आप इसमें है आपको नंबर डाल दूंगा। ठीक है, कोई भी बहुत इंटरेस्टेड है की एग्रीकल्चर फार्मिंग में, अंकल जी ने अवार्ड लिए है, ये अवार्ड ऐसे नहीं मिलते है, मेहनत के फल मिले हैं, और अंकल के जो फल है ना वो खेतों में दिखते हैं, वो आप लोगों को अगर वीडियो में दिख गया होगा, बट जो मैंने एक स्ट्रॉबेरी टेस्ट की अंकल सॉरी लेकिन मैंने कर ली क्योंकि रह नहीं सका मैं, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी का टेस्ट था मैंने बाजार के डब्बे भी खाया लेकिन वो टेस्ट नहीं था, लेकिन जो इधर प्योर टेस्ट है, अभी मुँह में पानी आ गया तो मैं बोल नहीं सकता। अंकल जी थैंक यू सो मच, आपसे अब आपको मैं नंबर बिल्कुल नीचे डालूंगा, कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने व्यूज आते हैं, बट लेकिन जो भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, ये बार रियासी ये क्या बोलते हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये पौड़ी ब्लॉक में, पौड़ी ब्लॉक में, और ये जो यहाँ पर से कहाँ शिवकोड़ी जो आते हैं उसके नज़दीक ही है ये, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कभी भी कोई दूर पार का यहाँ पर आ रहा है उसको इंटरेस्ट है कि मुझे देखना है कैसे होती है फार्मिंग, अंकल ने जैसे बताया एक यूपी की लेडी है बिल्कुल, वो 10 करोड़ टर्नओवर है उनका मिनिमम होगा जो इतना बताते नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट 10 करोड़ का, कोई हर काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए अब आपने करना है शेयर, सिर्फ शेयर, लाइक अगर आपको लगे तो देखना पूरी फिर करना लाइक। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो अंकल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपने ठीक है सर जी।